एक नाबालिग से बलात्कार के प्रयास से सनसनी मच गई है, जिसमें पड़ोसी महिला की कॉलोनी का ताला तोड़कर घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। मामला है हमीरपुर जनपद की मौदहा कोतवाली क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी का, जहां की एक नाबालिग युवती ने अपने ही पड़ोसी युवक पर पड़ोस की रहने वाली महिला की कॉलोनी का ताला तोड़कर कमरे में बलात्कार के प्रयास की शिकायत की है। युवती के चाचा ने बताया कि वह आवासीय कार से गया था और पड़ोसी महिला अपने बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल गई हुई थी। तभी मोहल्ले का युवक कल्लू अपने हाथ में तमंचा लेकर आया और युवती के तमंचा लगाकर पड़ोसी की कॉलोनी का ताला तोड़कर पड़ोसी की कॉलोनी में ले जाकर घटना को अंजाम दिया। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मामले की जाँच आरम्भ कर दी है, जबकि आरोपी फरार है। मौदहा कोतवाली क्या मामला है? एक लड़का है कल्लू, उसने हमारे साथ गलत काम किया, जबरदस्ती अंदर ले गया और तारा लगा लिया और हम छोड़ने के लिए कर रहे थे तो वो हाथ में कुछ पंची लिए था, उनको धमकी दे रहे थे। कॉलोनी का मराठीपुरा कॉलोनी का जब आप मौदहा कोतवाली क्या मामला है? हमारा मामला हमारी भतीजी के साथ एक लड़के ने गलत किया, कल्लू नाम के लड़के ने, काशीराम कॉलोनी में रहते हैं, वो भी काशीराम कॉलोनी में रहता है, इसलिए हम आपके आप लोगों से मदद लेने के लिए थाने आए रिपोर्ट करने। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है सुनाई होगी। सुनाई होगी? हाँ। और कह रही है गलत निकल जाओगे तो आपको बंद कर देंगे। हमने कहा हमको बिल्कुल, हम उससे ज़्यादा हमको सजा देना, गलत निकल जाए जो। आप क्या चाहते हो? हम जो चाहते हैं उसको, उस लड़के को सज़ा मिलना चाहिए, इसलिए हम गरीब आदमी हैं, किसी के लड़ने लायक नहीं हैं।